हेलो फ्रेंड्स, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोगों का CDP है। ये CDP का चौथा प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएँ न रखने, डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएँ रखने। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। दूसरा क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है विकास? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा, प्रसव पूर्व अवस्था। कहीं कहीं आपको क्या कहते हैं गर्भावस्था भी यहाँ पर दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा कि प्राकृतिक बुद्धि होती है। हावर गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, बी है बुद्धि के विवरण, सी है बुद्धि की वृद्धि, डी है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि आप कैसे जानेंगे कोई प्रतिभाशाली है या कम बुद्धि है, मंद बुद्धि है या जड़ बुद्धि है। तो बुद्धि के विवरण से इसको आप लोग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गहन प्रतियोगिता होती है, बी कह रहा है उच्च नैतिक विकास होता है, सी कह रहा है समूहों में द्वंद्व होता है, डी कह रहा है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी कह रहा है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी कह रहा है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, डी कह रहा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो अगर जब नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब पहले का अधिगम, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। अगर मदद करता है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, या फिर अगर मदद नहीं करता बल्कि नुकसान करता है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। तो इसमें अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा कि ना ही ये सकारात्मक है ना ही नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार, या मनोगतिक प्रक्रिया। तो क्या है? चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, बी कह रहा है मुख्य रूप से शिक्षक से, सी कह रहा है व्यक्तिगत रूप से, डी कह रहा है समूहों में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, वो सामूहिक रूप से भी सीख सकते हैं, लेकिन जब बाल केंद्रित कक्षा है तो सामान्यतः वो व्यक्तिगत रूप से ही सीखते हैं, ना कि शिक्षक के द्वारा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी न दिया होता तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो सकता था। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण या फिर समायोजन या समावेशन या फिर स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। मतलब एक शिक्षिका है वो सदैव इस रूप से ज्ञान देती है कि जो उसका विषय क्षेत्र है वो दूसरे विषय क्षेत्र में भी सीखने में मदद करे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पुनर्वलन, बी कह रहा है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, सी कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, डी कह रहा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा कि ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है सृजनात्मकता? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। कैसे अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से या अनुभविक रूप से या आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि वो शिक्षार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना डैश पक्ष में आता है। मतलब व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है? सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र में, बी कह रहा है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सी कह रहा है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, डी कह रहा है सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि व्यवहार का करना सीखने के गति पक्ष में मतलब आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ए कह रहा है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी कह रहा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने, सी कह रहा है विद्यालय का नाम रोशन करने, डी कह रहा है अभिभावकों को संतुष्ट करने में। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, इसमें अभिभावकों को संतुष्ट करने जैसा नहीं हो कुछ, ना ही विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए किया जाता है बल्कि शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी कह रहा है मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी कह रहा है भाषा निर्देशित अधिगम, डी कह रहा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समाज, संस्कृति और पर्यावरण को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ पर भी समाज, संस्कृति, पर्यावरण आता है वहाँ पर 99% क्वेश्चन सही होते हैं। 16 नंबर है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, तो ये तो पहले बाधाएं कभी नहीं उत्पन्न होती हैं क्योंकि जो हमारी कक्षा है वो समावेशी होती है, हर प्रकार के बच्चे वहाँ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी कह रहा है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ये भी गलत है, डी कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी
पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार जो शिक्षिका है वो कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी कह रहा है के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी कह रहा है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी कह रहा है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका कि राइट होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा वो राइट होगा कि नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रमण व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, भावनात्मक क्षेत्र में या उच्च स्तरीय कौशल में या संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा क्योंकि वो जो बच्चा है आक्रमण व्यवहार करता है तो उसके लिए भावनात्मक क्षेत्र में मदद की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है, दुश्चिंता, सामाजिककरण, सी कह रहा है मूल्य द्वंद्व, डी कह रहा है आक्रामकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा कि सामाजिककरण। क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी कह रहा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो केवल वर्ड जहाँ आ जाए वो तो पहले ही गलत हो जाता है क्योंकि आप केवल ना ही बालक ना ही बालिका इनको नहीं रख सकते हो। अगला है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, डी कह रहा है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, ए कह रहा है आंखों का रंग, बी कह रहा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी कह रहा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी कह रहा है चिंतन पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, आंखों का रंग जो होता है ये मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, ये अनुवांशिकता पर ही निर्धारित होता है। अगला है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं, ए योग्यताएं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी कह रहा है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, सी कह रहा है उनके ज्ञान की सीमा, डी कह रहा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, यह मतलब विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता, बी कह रहा है अंतः संबंध, सी कह रहा है निरंतरता, डी कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता है कि वो जल्दी सीख लेती है वो ज़्यादा समय लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ए कह रहा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी कह रहा है संस्कृति,
सी कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता, डी कह रहा है शारीरिक गठन। तो वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य मतलब कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी कह रहा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी कह रहा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी कह रहा है खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि सुनने में जो बच्चे मतलब कि सुन नहीं पाते हैं, श्रवण ह्रास से ग्रसित हैं, वे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है उन्हें। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या है, सुनने की समस्या, पढ़ने की समस्या, बोलने की समस्या, वो बोलने व सुनने दोनों की समस्या। तो जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने की समस्या है, और जो डिसग्राफिया होती है वो लिखने की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, डी कह रहा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ेंगे तभी उनकी क्षमताएं मतलब विकसित कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, डी कह रहा है लैंगिक संवेदनशीलता। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि ये अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी कह रहा है संवेदी प्रेरक चरण, डी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तीस में से आप लोगों का कितना सही गया है कमेंट जरूर करिएगा।